हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बी सक्सेसफुल में। तो आज की सक्सेस स्टोरी एंड तक देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी जसप्रीत सिंह की है। जसप्रीत सिंह चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत पहले से जानते थे और उन्होंने इसकी मदद से बहुत सी चीजें अट्रैक्ट की थी, जैसे अपनी गवर्नमेंट जॉब और अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम और भी बहुत कुछ। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करूं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करूं। उन्होंने इसके लिए अपने लाइफ पार्टनर की जो जो क्वालिटीज उसमें देखना चाहते थे उसको लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी लिखा कि उनके बाल किस कलर के होंगे, मतलब सब कुछ लिखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उस चीज को अच्छे से विजुलाइज करना और एक्ट एज ए टेक्निक का यूज करना शुरू किया। उन्होंने ये सब कुछ ठीक एक महीने तक किया। उन्होंने एक इंटेंशन और रखी कि वो और उनका लाइफ पार्टनर स्टारबक्स कैफे में कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ एक महीने तक कंटिन्यू विजुलाइज किया और उसके बाद उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तब वो थोड़े सैड हो गए, लेकिन उन्हें बिलीव था और उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से चेंज कर दिया। कुछ टाइम के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक फ्रेंड की मैरिज में गए। वहां पे उन्हें एक लड़की मिली जो उन्हें देखने में और बिहेवियर से बहुत अच्छी लगी। उनकी आपस में वेडिंग में ही वहीं पे शादी में ही दोस्ती हो गई। उन्होंने वहां पे साथ में डांस किया, साथ में खाना खाया और इंस्टाग्राम फेसबुक किसी चीज पे वो कनेक्ट हो गए। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे प्रपोज किया और उस लड़की ने हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने ये बात नोटिस की कि उन्होंने एक एक चीज जो भी लिखी थी वो सारी क्वालिटीज हेयर कलर से लेके उस लड़की में थे। तो वो ये समझ गए कि वो सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुआ, क्योंकि वो इस शादी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ही आए थे और ये उनकी मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा था। तो अब ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। उनका रिलेशनशिप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस था। वो जो लड़की थी वो गुड़गांव में जॉब करती थी, तो उन्होंने एक बार प्लान बनाया कि हम वहां पे मिलते हैं। और आप हैरान होंगे, वो वहां पे गुड़गांव में स्टारबक्स कैफे में गए और उन्होंने वहां पे कोल्ड कॉफी पी। तो अब आप ये देखिए कि एक एक इंटेंशन जो उन्होंने लिखी थी वो हर एक इंटेंशन मैनिफेस्टो, स्टारबक्स कैफे और कोल्ड कॉफी ये भी। तो उन्हें एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। तो अगर आप अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं और कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कीजिए। अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर।